बात करें एमपी बोर्ड की तो मध्य प्रदेश बोर्ड से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 17 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा परिषद वही मंडल मध्य प्रदेश एमपी बीएससी की ओर से 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अब दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ 25 अप्रैल तक कभी भी घोषित हो सकता है। रिजल्ट बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया जाएगा और जिसके बाद नतीजे का लिंक mpbsc.nic.in और mpresults.nic.in पर एक्टिव हो जाएगा, जहां से आप रोल नंबर एवं एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके अपने परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। यदि किसी छात्र या छात्रा के मार्क्स उसकी उम्मीद से कम आते हैं तो वह अपने कॉपियों को स्क्रूटनी करा सकेंगे और मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षाफल की घोषणा को लेकर अपडेट mpbsc की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जारी किया जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पर समय समय पर नजर बनाए रखना चाहिए। एमपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन 25,000 शिक्षकों द्वारा पूर्ण किया गया है। मूल्यांकन पूर्ण होने के बाद अब छात्राओं का रिजल्ट घोषित किया जाने वाला है।